अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉटर्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू की तहरी की रेसिपी, या आप इसे आलू के चावल भी कह सकते हैं। और हम इसको बहुत इजी तरीके से और घर के इंग्रेडिएंट से मज़ेदार सा बनाएंगे। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने इसके लिए ले लिया है तकरीबन हाफ कप ऑयल है, और हाफ कप ऑयल को मैं अच्छी तरह गरम कर लूँगी। मैं इसमें डालूँगी 3 मीडियम साइज़ आलू और 2 मीडियम साइज़ प्याज। तो पहले हम करते हैं प्याज का इस्तेमाल, और प्याज मैंने डाल दी है ऑयल में, और इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। मतलब इतना अच्छी तरह से कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। आपने प्याज को जो है वो बारीक बारीक चॉप करना है। जितनी अच्छी प्याज फाइन चॉप हुई होगी, उतना ही ज़बरदस्त ये हांडी में एक तो जायका देगी और दूसरा मिक्स हो जाएगी। खैर, प्याज होगी हमारी कच्ची पकी। हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 साइनमन स्टिक हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 3 से 4 लौंगे हैं, 3 से 4 काली मिर्चें हैं, और हाफ टी स्पून जो है ज़ीरा है। ये डालने के बाद हम इसको प्याज के साथ जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि ये जो खड़ा गरम मसाला है इसका फ्लेवर जो है वो प्याज और ऑयल में आ जाए। 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी गार्लिक। ये मेरे पास क्यूब हैं, आप जो है पेस्ट ऐड कर लेंगे। जिस फॉर्म में भी आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट मौजूद है, आप इसको यूज़ करें। और इसको हम कुक कर लेंगे, और थोड़ा सा देखें प्याज का कलर भी चेंज हो गया है और जिंजर गार्लिक भी पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर को हम जो है ऑयल और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह पका लेंगे, और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पीसी मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून जो है साबुत धनिया। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे और इसको भूनते जाएंगे, और इसमें मसालों को ऐड करते जाएंगे। ये मसालों की क्वांटिटी जो है मैं आपको आधा किलो चावलों के हिसाब से बता रही हूँ। आप चाहें तो नमक और मिर्चें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। खैर, मसाले डालने के बाद जो है हम टमाटर, प्याज और बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, और फिर इसको भूनेंगे, और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। आपका मसाला जितना अच्छा भुना होगा, आपका खाना उतना ही अच्छा तैयार होगा। अच्छा, ये जो है साबुत धनिया, ये मैंने उस टाइम नहीं डाला, ये मैं अब डालूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ आलू। आलू जो है इसकी भी क्वांटिटी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर लें, जैसे आपको पसंद हो। आलू मसाले में डालने के बाद जो है हम आलूओं को अच्छी तरह भून लेंगे, और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब हम जो है थोड़ा सा पानी डाल के आलू को बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये आलू वैसे भी छोटे छोटे कटे हुए हैं, तो इनको इतना टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 8 to 10 मिनट्स में आपके आलू जो हैं वो अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे। आलू गल चुके हैं। आधा किलो चावलों में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 पाव पानी, और पानी की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से आप अपने जिस तरह के आप चावल यूज़ करते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने चावल ज़्यादा देर भिगोए हैं तो आप चावलों में पानी कम डालेंगे। 2 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, और ये देखें चावलों के पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चावलों को। आपने चावल तभी ऐड करने हैं कि जब वो मसाला हम चावलों के लिए तैयार कर रहे हैं उसमें बॉयल आ जाए। जब पानी अच्छी तरह उबल जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को, और इसको हम आने देंगे बॉयल। इस पॉइंट पे जो है हम नमक मिर्चें एक दफ़ा लाजमी चेक कर लेंगे, स्पेशली नमक। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर लें। आप चाहें तो इस स्टेज पे गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें चावल जो हैं बिल्कुल ज़बरदस्त से हमारे दम के लिए तैयार हैं। इसको हम लगा देंगे दम, और मैं तकरीबन लगाऊंगी बिल्कुल धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए इसको दम। और दम लगा के हम इसका ढकना बार बार नहीं उठाएंगे, और बिल्कुल 10 मिनट बाद ही दानेदार आंच पे दम लगाने के बाद जो मैंने दम खोला है, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से आलू के चावल तैयार हैं। आलू की तहरी तैयार है। आप जो भी इसको कह लें, ये बहुत लाइट वेट और बहुत जायके वाली बनती है। आप चाहें तो इफ्तारी के बाद, जिस तरह हम लोग तरावी पढ़ते हैं उसके बाद हल्की सी भूख लगती है, तो आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। और इतना इसमें जो है मसाले जात नहीं होते कि ये आपको हार्ट बर्न वगैरह करें। तो इसके साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। टमाटर की चटनी मैंने बनाई है, आप चाहें तो पुदीने की चटनी बनाएं और उससे खाएं। एक तो हाजमेदार होगी और दूसरा बहुत लाइट वेट होगी, आपको हैवी नहीं करेगी। थैंक यू। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी है। थैंक यू।